हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भावना पुरी। सो स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम को ऑलरेडी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की वीडियो अपलोड कर दी है और आज हम थर्ड टॉपिक यानी कि टेरिडोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हमने एल्गी और ब्रायोफाइट पढ़ा तो हमने देखा उनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन थी। थैलस यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड। आप उन पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ट्रू लीव्स हैं या नहीं, ट्रू रूट्स हैं या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स पर। एल्गी और ब्रायोफाइट्स ज़्यादातर मिलते थे पानी के अंदर यानी कि वो एक्वेटिक होते थे और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जनरली उनको वास्कुलर टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है यानी कि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो कि ज़मीन पर मिले थे एक्चुअली। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो इनके पास ये ऐसे प्लांट है जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का मेन फंक्शन वी ऑलरेडी नो, जाइलम का जो मेन काम है, मेन फंक्शन है वो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। एंड देन फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है वो फूड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करेगी। तो हमने यहाँ देखा टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये इनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ हैं यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। जनरली जो यूजेस की हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट को यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पस में। दीज आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स यानी कि डेकोरेशन की तरह इन लोगों को, इन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद अभी हमने जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज था यानी कि जो उनका मेन फेज था लाइफ साइकिल में वो गैमेटोफाइटिक था। बट यहाँ पर टेरिडोफाइट का कुछ ऑपोजिट है। टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉइड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमने ब्रायोफाइट्स में दो स्टेजेस के बारे में बात की थी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है हैप्लॉइड यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेटोफाइट्स। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है यानी कि 2n डिप्लॉइड। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट में वो स्पोरोफाइटिक है, जबकि ब्रायोफाइट्स में जब हमने देखा था तो जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स होती हैं, ट्रू स्टेम्स होंगी एंड ट्रू लीव्स होंगी। ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर वो लीव्स बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, हम बोलेंगे इफ द लीव्स आर स्मॉलर, तो हम उनको बोलते हैं माइक्रोफाइलस। अगर लीव्स छोटी हैं तो हम उनको माइक्रोफाइलस बोलेंगे और अगर लीव्स बड़ी हैं तो हम उनको मैक्रोफाइलस बोलेंगे, मैक्रोफाइलस। आप माइक्रोफाइलस का एग्जाम्पल ले सकते हो सिलेजिनेला, जो कि एक टेरिडोफाइट है। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी हम एक टेरिडोफाइट का ले रहे हैं, फर्न। तो फर्न सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट के अंदर आने के लिए। फर्न से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जो कि जनरली मेडिकल में पूछा जाता है। एक टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है एडियंटम, जिसका कॉमन नेम है वॉकिंग फर्न। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि वॉकिंग फर्न का जो नाम रखा गया यानी कि जो वॉकिंग वर्ड उसके आगे लगाया गया ऐसा उसके अंदर क्या था, क्या वो वॉक करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्लांट्स हैं, ये अपनी पर्टिकुलर प्लेस से डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, अपनी प्लेस से कहीं और नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो उसका नाम वॉकिंग है बेसिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिस जगह पर भी इस पर्टिकुलर प्लांट की लीव्स को नरिशमेंट यानी कि मॉइस्चर मिलता है वहीं से ये प्रोपगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो बेसिकली जिस जगह पर नरिशमेंट मिलेगा यानी कि अगर ये प्लांट कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर इसकी लीफ है, इसको यहाँ पर नरिशमेंट मिला, ह्यूमिडिटी मिली, वहीं से उसने प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसको हमें लगता है कि वॉक कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये वॉक नहीं करता, सिर्फ इसकी लीव्स होती हैं जो कि प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देती हैं, आगे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा टेरिडोफाइट को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हमने पढ़ा इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है, जबकि ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइटिक थी। फिर हमने देखा अगर टेरिडोफाइट के अंदर लीव्स आर स्मॉलर यानी कि छोटी लीव्स प्रेजेंट है तो हम उनको माइक्रोफाइलस कहते हैं, एग्जाम्पल सिलेजिनेला। और अगर लीव्स का साइज बड़ा है तो हम उनको मैक्रोफाइलस बोलेंगे, यहाँ पर हमने उसका एग्जाम्पल देखा है फर्न। तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ें थी टेरिडोफाइट के अंदर।
अब हम बात करेंगे इसकी जो सेकेंडरी यानी कि जो स्पोरोफाइटिक 2N वाली जो स्टेज है उसके बारे में, मेन प्लांट बॉडी के बारे में। तो जैसे कि मैंने बोला इनके जो प्लांट बॉडी है वो 2N है यानी कि डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम बना रहे हैं, इसको कहा जाता है स्पोरोफाइलस, स्पोरोफाइलस या फिर कौन भी कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे मदर सेल होंगे जो कि आगे चलकर मियोसिस करेंगे और मियोसिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने अगर मदर सेल बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीमेल की ही बात कर रही हूँ। ये जो स्पोरेंजियम आपके सामने दिख रहे हैं ये स्पोरेंजियम मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो अगर ये मेल स्पोरेंजियम है तो यहाँ पर जो ये मदर सेल आगे डिफरेंशिएट करेगा, मियोसिस करेगा, तो उसके रिजल्ट में 4 जो नए स्पोर बनेंगे वो मेल स्पोर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, उन्हें लगता है कि मदर बोला है तो मेल नहीं फीमेल ही होगा। ऐसा नहीं है, मदर इसलिए बोला क्योंकि वो आगे चल के 4 नए सेल्स को बर्थ देंगे। जस्ट बिकॉज ये सेल्स आगे चलकर 4 नए सेल्स को फॉर्म कर रहे हैं इसलिए इनको मदर सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 तरीके के स्पोर्स के बारे में, तो फीमेल स्पोर को हम मेगा स्पोर बोलते हैं और मेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो इसी के बेसिस पर ये जो मदर सेल है मैं इसका नाम दूंगी मेगा स्पोर मदर सेल, अगर ये आगे चल के फीमेल स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, और मैं इसका नाम दूंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर ये आगे चल के मेल स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने देखा टेरिडोफाइट के अंदर एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे इसको हम स्पोरोफाइलस या फिर कोन भी कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। इसके अंदर जो स्पोरेंजियम प्रेजेंट है उनका काम है मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल को कैरी करना। इन मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगी, यहाँ पर हुई मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के रिजल्ट में जो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड का मतलब है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये चारों इनकॉन्स्पिशियस यानी कि बहुत ही छोटे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आगे चल के डेवलप कर जाते हैं प्रोथेलस में। यही प्रोथेलस है जो डिफरेंशिएट करेगा एंड इट विल फॉर्म द गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक से मेरा मतलब है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करने वाली स्टेज। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज बनी है ये स्टेजेस क्या करेंगी, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगी। इन केस ये अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, और अगर मेल गैमेटोफाइट है तो फिर वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। हमने ब्रायोफाइट में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि मेल सेक्स ऑर्गन जिसको एंथ्रीडियम बोला जाता है उसका काम है मेल गैमेट यानी कि एंथीरोजॉइट्स को प्रोड्यूस करना। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम था आर्किगोनियम उसका यहाँ पर काम है फीमेल गैमेट्स यानी कि एग्स को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोफाइटिक स्टेज प्रोड्यूस करेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम होता है वाटर। तो यहाँ पर भी ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं दे बोथ विल रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यही एक रीज़न है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों की ही जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी कि लिमिटेड एरिया तक होती है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एट एवरी प्लेस। तो क्योंकि वाटर हर जगह प्रेजेंट नहीं है इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स एंड जो ब्रायोफाइट्स हैं उन दोनों की ही जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड एरिया तक होती है। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। जब भी ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो एसेक्सुअल स्पोर्स या बर्ड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि जहाँ भी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी को देखेंगे वहाँ पर वो आगे एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएंगे। और जब भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एक मीडियम में विच इज वाटर। यहाँ पर मैंने अभी होमोस्पोर और हेटरोस्पोर के बारे में बात नहीं की है। बेसिकली होमो का मतलब होता है सेम एंड हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट। मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर वो फीमेल स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं तो मेगा स्पोर, मेल स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो माइक्रोस्पोर। इसका मतलब है इनके अंदर एबिलिटी है 2 तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करने की।
तो जब भी कोई प्लांट दो तरीके के यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसको हेटरोस्पोर्स कहेंगे। इन केस ये सेम टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो होमोस्पोरस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटरोस्पोरस भी। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन की बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट्स ने फ्यूजन किया, फ्यूज होते ही जायगॉट बनेगा यानी कि 2N। ये जायगॉट स्पोरोफाइटिक स्टेज में ही डिफ्रेंशिएट करेगा। स्पोरोफाइटिक स्टेज हमने ऑलरेडी पढ़ी थी जिसमें फुट सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट था। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज डेवलप होती है। ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है जिसको हमने 2N बोला था, यही इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है और कुछ समय तक वो जो फीमेल पार्ट होगा यानी कि जो फीमेल प्लांट होगा उस पर रिटेन रहता है फीमेल पार्ट, ये आपको याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेंडोफाइट में हम पढ़ते हैं, दीज आर द प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट का प्रीकर्सर मतलब जो शुरुआत कंडीशन होती है ना, स्टार्टिंग बिगिनिंग, वो ये करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेरिडोफाइट्स खुद से ही सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। हमने पढ़ा था कि जो एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैमे होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीड हैबिट की प्रिकर्सर यानी कि इसके बाद आने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे वो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे, बट ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते। आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, जैसे कि सिलेजिनेला हमने पढ़ा, वॉकिंग फर्न हमने पढ़ा। उसके अलावा आपको याद रखना है कि सीड हैबिट का प्रीकर्सर टेरिडोफाइट होते हैं, दीज आर बोथ होमो एंड हेटरोस्पोरस। और जब भी इनको रिप्रोडक्शन करनी हो यानी कि फर्टिलाइजेशन करनी हो तो उसके लिए इनको एक मीडियम की जरूरत होती है विच इज वाटर। तो ये सब बेसिक चीजें हैं अबाउट टेरिडोफाइट्स। ऑलरेडी हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको इन तीनों या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू सो मच।